सब्सक्राइब करें टेक्निकल दृष्टिकोण को और साथ में बेल आइकन दबाएं सबसे पहले टेक्नोलॉजी वीडियो पाने के लिए। जी हाय गाइज, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टेक्निकल दृष्टिकोण में। तो गाइज, इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप किसी के एल्बम पर अपना फोटो कैसे लगाएंगे, आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन दबा लेना, ताकि मैं एक से बढ़कर एक क्वालिटी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए ना लेट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले एक एप्लीकेशन का ज़रूरत पड़ेगा जिसका नाम है पिक्सा आर्ट। आपको डिस्क्रिप्शन में इस एप्लीकेशन का लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ना लेट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। तो चलिए, मैं पिक्सा आर्ट यहाँ पे देख रहे हैं जो लेफ्ट की कॉर्नर में यहाँ पर लगा हुआ है। तो पिक्सा आर्ट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे इस तरह का आपको इंटरफेस ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आना है यहाँ पे ऑल फोटोज पर, यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद कोई एक मैं आपको इमेजेस ले लेता हूँ। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे समर सिंह का एक इमेजेस ले लिए। और यहाँ पे हम फोटो लगाना है या यहाँ पर या यहाँ पर, समर सिंह जहाँ पे हैं वहाँ पर अपना फ़ोटो लगाना है। तो कैसे लगाएंगे आज, चलिए। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे टूल्स पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रिमूव पर क्लिक करना है। रिमूव पर क्लिक करने से पहले आप अपना इंटरनेट डाटा ओपन करके रखें, तब तभी काम करेगा। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, एक मिलेगा यहाँ पे पेन का और यहाँ पर मिलेगा एक ब्रश का। तो यहाँ पे आपको पेन पर क्लिक करना है। पेन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कलर आएगा। जिस भी फोटो को आपको उड़ाना है यहाँ पे आप फोटो पर क्लिक करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ यहाँ समर सिंह के फोटो पर। यहाँ फोटो पर जैसे क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे कलर होना शुरू हो गया। इस पर जैसे रंग क्लिक करेंगे देखिए, क्लिक करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा से आप उसके बाद पूरा अच्छी तरह से आप कर लेना है। करने के बाद यहाँ पे देखिए रिमूव का ऑप्शन मिलेगा, ऊपर क्लिक कर रहे हैं। देखिए कुछ टाइम मिला, देखिए यहाँ से फोटो रिमूव हो गया। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे राइट की ओर सही के निशान पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है आपको फोटोस में, यहाँ पे फोटो मिल जाएगा, ऐड फोटो पर क्लिक करना है। अब कोई एक फोटो ले लेते हैं, चलिए कोई एक फ़ोटो जो आप सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मान लीजिए हमको यही फ़ोटो लगाना है। चलिए यहाँ पे एक फ़ोटो है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐड वन पर क्लिक करेंगे। करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसका पहले मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ जो है बगल में आसपास में। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरा से कलर करेंगे। चलिए तो कलर कर लेते हैं, तब तक थोड़ा सा वीडियो पॉज कर देते हैं इसको। चलिए मैं इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद मैं वहाँ पर ले जाऊँगा जहाँ से मैं उसका फ़ोटो हटाए थे, वहाँ पे जाकर इसको एग्जैक्ट थोड़ा सा इसको मिला लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इसको। आपको अच्छी तरह से कर लेना है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। फोटो पे इस तरह से कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से कर लेना है, आपको फोटो थोड़ा और पीछे करना है। इस तरह से कर लेना है, देखिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सही के निशान पर क्लिक करना है।
और यहाँ पे फिर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव के आइकन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे सेव पिक्चर ऑन योर डिवाइस पर क्लिक करना है। डन। देखिए मेरा फोटो बन के तैयार हो गया है। चलिए आपको मैं दिखा देता हूँ कि तैयार हुआ है कि नहीं। यहाँ पे जाकर मैं इमेजेस पे जाकर साथ पर क्लिक करके यहाँ पर देख ले। देखिए मेरा फोटो बन के तैयार हो गया है। तो आप भी ऐसा फोटो बना के अपना गाना पर बना सकते हैं, डाल सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो